नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपको कोटक बैंक में जो लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आज का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो में आप बने रहिए और अगर आपने आगे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है कि जाना प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है 811। तो मैं सिंपली 811 सर्च कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसका इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, मैं सिंपली ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी है अकाउंट कॉल पर क्लिक है पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, यहाँ पर हम जो है कि एम पिन और हमारा CRN नंबर डालने के बाद में लॉगिन कर सकते थे। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अब करूँगा क्या कि यस सेंड सिक्योर SMS पर करूँगा क्लिक, अगर आपके पास में सिम हो तो। अगर नहीं है सिम तो आप नीचे वाले पर क्लिक कीजिए, मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ। देन एलो करता हूँ। यहाँ पर जो है कि वेरीफाई कर रहा है वो। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, वेरीफाई होने देते हैं। यहाँ पर अब वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस एरर को हमें कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर हम एक बार और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से देख लेते हैं ट्राई करके। एक्टिवेट थ्रो ब्रांच और फोन पर क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पर CRN पर क्लिक करना है और एम पिन डालना है। देन आपको सबमिट करना है। अगर पास आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली फॉरगेट करना है CRN। एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, ये नंबर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पर आपको सिंपली कैपिटल में CRN लिखना है और देन आपको यहाँ पर मैसेज सेंड कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस नंबर पर CRN कैपिटल में लिख देता हूँ। देन जो रजिस्टर्ड सिम है उससे मैं सेंड कर देता हूँ मैसेज। उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, उस मैसेज में आपको आपका CRN मिल जाएगा। तो सिंपली ये CRN आपको कॉपी करना है और आ जाना है आपके वापस से आपके होम बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको आपका CRN लिख देना है। मैं सिंपली CRN लिख देता हूँ। अगर आपके पास में एम पिन नहीं है यानी कि फॉरगेट पिन अगर आपको करना है तो सिंपली हमें एम पिन नहीं पता है तो मैं फॉरगेट पिन करता हूँ। सिंपली फॉरगेट पिन पर जैसे क्लिक करता हूँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे फॉरगेट पिन करने के, सिंपली पर्सनल डिटेल्स और डेबिट कार्ड डिटेल्स और उसके बाद में यहाँ पर नेट बैंकिंग डिटेल्स। तो सिंपली जो आज के इस वीडियो में मैं सबसे आसान चुनूंगा तो मैं सिंपली यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स से यहाँ पर मैं जो है कि फॉरगेट पिन करूँगा एम पिन। सिंपली आपको करना क्या कि यहाँ पर नीचे पर नीचे दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो सिंपली मैं कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आपके सामने आपकी डिटेल्स का आ जाएगा, मदर्स नेम, उसके बाद में पैन कार्ड और उसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे पास में एम पिन है तो मैं फॉरगेट नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली इसका मतलब है कि जो आपकी सिम में है उसमें रिचार्ज नहीं है तो आपको यहाँ पर आपकी सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिचार्ज महंगा हो गया है तो यहाँ पर आपको मैं आइडिया में 99 का रिचार्ज करता हूँ। रिचार्ज करने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो मैं जाता हूँ रिचार्ज करने, तो मैं यहाँ पर रिचार्ज कर लेता हूँ 99 का आइडिया का। तो मैंने यहाँ पर रिचार्ज कर लिया है। यहाँ पर अब आपको ऐसा इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको करना है यस सेंड सिक्योर SMS नो पर क्लिक, अगर आपके पास सिम है तो। अगर नहीं है तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुनिए। तो मैं सिंपली ऊपर वाला ऑप्शन चुनता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इसमें इस प्रकार का SMS दिखाई देगा। यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है हमारे डिवाइस को और इस सिम को। यहाँ पर मैंने रिचार्ज करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में जो है कि मेरे जो मोबाइल एप्लीकेशन है यहाँ पर मैं इस प्रकार का इंटरफेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार और एम पिन डालता हूँ। यहाँ पर मैं एम पिन डालने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो मैं जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है इसमें यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर करता हूँ क्लिक। में नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो। तो मैं सिंपली यस कर देता हूँ। उसके बाद मैं आई एग्री कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एम पिन डालना होगा। उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आप लॉगिन कर पाएंगे और आपके जो मोबाइल ऐप है उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जो जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।